जनपद जालौन में पुलिस के हाथ आज फिर एक सफलता हाथ लगी। जालौन के गोहना थाना पुलिस संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दो अंतर्जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास दो अवैध तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए तथा चोरी करने में प्रयुक्त कुछ औजारों भी बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए चोर सातिर अपराधी तथा अभियुक्त के खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानाओं में 8-8 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ सुशकांत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट कृष्ण कुमार कुशवाहा के साथ। देखिए थाना गोहन की पुलिस ने कल 20 तारीख की रात्रि को दो चोरों को गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं। एक का नाम अरविंद कुशवाहा और दूसरे का नाम कुशवाहा है। ये लोग जनपद भिंड के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से दो तमंचे, कुछ कारतूस और चोरी के लिए यूज करने के लिए थोड़ा पेचकस इत्यादि औजार बरामद किए गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन्होंने इसके पहले भी और घटनाएं की हुई हैं और इनकी गिरफ्तारी कर थाना गोहन ने संभावित चोरी की घटनाओं को रोका है और एक प्रशंसनीय कार्य किया। सर क्या मकसद था कि इस तरह चल रहे थे? देखिए इनका मोटर सॉपरेंडी रहता है कि ये लोग अपने पास औजार लेके चलते हैं। घूमते हैं जहाँ पर इंसान जगह देखा, फिर घर पैसा देखा जब बाहर से ताला लगा हुआ है या फिर कोई दुकान वैसी देखी तो उसको तोड़ के उसमें से चोरी कर लेते हैं। साथ ही साथ ही तमंचे के साथ भी लैस रहते हैं। अगर संभावना इन्होंने देखी कोई शमशान जगह पर मिल गया इनको तो इनकी घटनाएं भी कमी कर सकते। सर ये दो थे या इसके अलावा और? नहीं, ये दो हैं जिनके अन्य साथियों को भी पता लगाया जा रहा है कि इनका अभी क्या घटना लिखा है, कैसे कैसे किस किसी ने मूव करते हैं और भी अन्य जानकारी की जा रही है और विवेचना नियमानुसार। सर जालौन की कितनी घटनाओं में इनकी सक्रियता है? अभी इनकी ज़्यादातर जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी उनकी निकली है और सेट कर रही नहीं और इधर भी अपराध करने के फिराक में थे और इधर के दो तीन केसेज में इनका नाम प्रकाश हुआ।